ये कि अब हम लोग एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं, हमको लगता है कि इस बात के इंकशाफ से हम लोगों के कंधे पर दो स्टार और बढ़ जाता है कि हम लोग एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। और इसको
लिंग्विस्टिक प्रोग्राम कितने लोगों को लग रहा है कि समझ में नहीं आता है? आप हिंदी, मैथिली, भोजपुरी, बंगाली कोई भी लैंग्वेज में बोलिए, मैं समझने की कोशिश करूंगा। कितने लोगों को लगता है कि नहीं समझ में आ रही है? लेकिन आज समझ के जाना ही है। आज आप लोग समझेंगे तो कल इस लायक आपको यहां से बनकर निकलना है कि आप लोग किसी को टीच कर सके, नहीं तो सिर्फ बी एड की डिग्री लेकर हम लोग निकल जाएंगे और उसके बाद सिर्फ डिग्री रहेगी। उस डिग्री का फायदा जो है आने वाली जनरेशन के साथ बहुत गलत तरीके से होगा। लगता है बहुत सारे ऐसे टीचर हैं, तो आप लोग एक बार तो आंख बंद करके एक छोटा सा एक्सरसाइज करना शुरू कर लगा। आप लोग सारे लोग अपने हाथ छोड़ दीजिए और आंख बंद करके एकदम पूरा आंख बंद कीजिए। सारे लोग आंख बंद कीजिए, जिनके आंख खुले देखे गए ₹5 फाइन। मैं समझ पाया, मैं भी आपके मुझे भी पता है, अच्छा से इंसान बन गया।
जी बैठे भाई, क्या नाम है आपका? इनके नाम पर ठाकुर जी के नाम पे एक छोटा सा इनको सामने एक एक राउंड आप ताली, किधर से ताली कम बची है, लग रहा है मोमेंट्स बीइंग आजकल कमजोर पड़ रही है महिला में। अब एक ताली उधर से आप मेल देखिए, मेल भी कमजोर है ना, है या फीमेल भी कमजोर पड़ रही है? एक बार तो आप मेल विंग के तौर पर पहले ताली और फीमेल विंग के तौर पर भी ताली, मेल भी कमजोर है लेकिन कुछ फीमेल विंग ने आपको सपोर्ट किया। इसका मतलब यह है कि जब आप लोग किसी स्कूल में पढ़ाते हैं और कभी कभी क्या होता है कि एक टीचर कमजोर करते हैं तो दूसरे टीचर उनको सपोर्ट करते हैं कि ये चीज पढ़ाओ, और इसी को हम लोग बोलते हैं मैनेजमेंट के लैंग्वेज में टीम बिल्डिंग। जैसे मैडम ने अभी आपकी जो टीम का जोर पड़ रहे थे, आपके कुछ लोग ताली नहीं बजा रहे थे, तो वहां पे क्या हो रहा था कि आपके कुछ लोग यहाँ से ताली दे रहे हैं, राइट? यही चीज आप जब किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं या अगर आपके पास कोई बच्चा पढ़ने के लिए आता है, जब पढ़ने के लिए बच्चा आता है तो क्या होता है कि एक स्टूडेंट दूसरे स्टूडेंट को सपोर्ट करता है, और ये चीज आपके भी नेचर होने चाहिए, क्योंकि जब आपके नेचर होंगे तभी आप उनको अच्छी तरीके से पढ़ा सकते हैं, राइट? कुछ गलत तो नहीं कह रहे हैं? अब हम लोग आगे चलेंगे न्यूरल लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग एक्चुअली होता क्या है। ये एक मामूली सी चीज है, एक छोटी सी चीज है, और देखी जाए तो बहुत बड़ी चीज है। इसमें दो लोगों ने मिलकर एक चीज रिसर्च की 1972 में, जिनका सर उनका नाम, इन्होंने एक हिप्नोटिस्ट के थे, एक साइकेट्रिस्ट थे। हिप्नोटिस्ट आप लोगों को कितने लोगों को पता है हिप्नोटिस्ट क्या होता है? पता है क्या होता है हिप्नोटिस्ट जी? एग्जैक्ट कर लेंगे, क्या करता है? अट्रैक्ट कर लेंगे। और साइकेट्रिस्ट का क्या काम होता है? क्या काम होता है साइकेट्रिस्ट का? कितने लोगों के घर में, आसपास में, परिवार में या रिलेशन में या जानने वाले में देखे जो थोड़ा सा मन बुद्धि या मन बुद्धि नहीं बोलेंगे, जो दिमाग के उतर जाते हैं, मन बुद्धि बोल के मैं खुद गलत बोलूंगा, जिनका दिमाग जो पैरेलली जो माइंड से अनबैलेंस हो जाते हैं या उनको किसी काउंसलर के पास जाने की जरूरत पड़ता है, तो वहां पर क्या होता है एक साइकोलॉजिस्ट होते हैं जो उनकी दिमाग की विद्या को, जो साइकोलॉजिस्ट भी होते हैं जो दिमाग की विद्या को पढ़ने की कोशिश करते हैं। ये दोनों ने मिलकर एक चीज बनाई 1972 में, और उसके बाद इसका बहुत बड़े पैमाने पर प्रचलन पूरे वर्ल्ड में होना शुरू हो गया। यहां क्या था, इसमें चीजें जो थी उसको छूना, महसूस करना, समझना, अगर कोई इमोशनल आती है तो उसके साथ कैसे बिहेव करना, जैसा कि मैं समझता था आप लोगों को प्रैक्टिकल बताऊंगा, क्योंकि मैं थ्योरी पे यकीन कम प्रैक्टिकल पे ज्यादा यकीन करता हूं, कि आपको ये समझ में आएगा कि ये इमोशनल आदमी है तो हमें इसके साथ कैसे बिहेव करना चाहिए। अगर ये इमोशनल बच्चा है और उसको मैं डांटती हूं या डांटता हूं तो क्या हो जाएगा, वो बच्चा डिप्रेशन में चला जाएगा या निगेटिव फीचर हो जाएगा। तो सबसे पहले हमें अपने आप को समझना पड़ेगा ये बच्चा का डायरेक्शन क्या है और उस बच्चे का कैरेक्टर, जैसे